गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चले शुरुआत करते हैं अगले ब्लॉग की। और अभी बज रहे हैं घड़ी में ऑलमोस्ट बढ़ जा भाई 8:58 21 सितंबर, क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो सुबह शाम ही ब्लॉगिंग होती है तो वही हम कर रहे हैं। अभी मैं बैठा हुआ था तो वीर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, तो मैं वीर के मुंह से ही सुनना चाहिए। वीर कम हियर। और ये जो इसने बात बोली है बुक पढ़ के बोली है, एंड बुक पढ़ के इसने मेरे को आके बताई, एंड मैंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था जो इसने बताया मेरे को। बता भाई क्या बोला। जब बच्चे बड़े होते हैं, कैमरे के सामने देख के बोलना। हाँ। जब बच्चे बड़े होते हैं उनको पेन इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप एक मिस्टेक को इतनी आसानी से इरेज नहीं कर सकते। वाह वेरी गुड फैंटास्टिक एग्जांपल कि मतलब पेन से अगर आप लिख रहे हो तो मिस्टेक कर दी तो आप उसको इतनी आसानी से मिटा नहीं सकते, वेरेस पेंसिल से आप कर सकते हो। तो जब आप सीख रहे होते हो उस टाइम आप गलती करते हो, आप उसको इरेज करके ठीक कर सकते हो, बट यू हैव टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, नॉट टू डिलीट योर। और इनफैक्ट ये जो मिस्टेक की हमने बात की है कि मिस्टेक जो है आपका, जब आप तैयार होते हो ना, जब बचपन होता है, एक लेवल होता है कि एक 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 एज में आप मिस्टेक कर सकते हो, यू आर अलाउड टू डू दैट मिस्टेक बिकॉज यू आर लर्निंग। बट एक जब एक स्टेज पे आप पहुंच जाते हो, एक एज पे आप पहुंच जाते हो, एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो, देन यू आर नॉट अलाउड टू डू अ मिस्टेक, एंड सच काइंड ऑफ मिस्टेक विच कैनॉट इवन बी करेक्टेड। ऐसी गलतियां जो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकती हैं, ऐसी मिस्टेक्स तो अलाउड है ही नहीं। ये सिंपल और सिंपल तरीका है इस मैसेज को समझने का। सो इवन दो यू आर डूइंग मिस्टेक विच कैन बी करेक्टेड, दैट इज ओके सिंस यू आर करेक्टिंग दैट, बट यू कांट रिमूव दैट मिस्टेक परमानेंटली। किसी को आपने गाली दे दी और आपने बाद में उसको सॉरी बोल दिया, वो दिल में तो रह ही जाती है ना बात। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे ही मैं जिम से आया, आते वीर ने एक मेरे को गुड न्यूज दी है। वो गुड न्यूज क्या है पहले मैं उसके ऊपर वर्किंग कर लेता हूँ, होने के बाद आपको मैं बता दूंगा, बट एक गुड न्यूज जरूर है, यू हैव टू वेट फॉर इट। ये एक आपको मैं आपको देख के लग रहा होगा कि ये बेसिकली कि ये क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग के लिए जब जाते हैं तो वो है, ये वो नहीं है। इसको बेसिकली हाई स्कूल पैड कहते हैं। जो भी व्यक्ति या इंसान, जो भी हम लोग आजकल कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा रहते हैं, तो हमारी आंखों में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसको आप अगर फ्रीज़र में रखें और रात को सोने के टाइम में कभी भी, वेन एवर यू फील, इसको आंखों में 5 मिनट रखें, आपकी आंखों को काफ़ी राहत मिलती है। ये मैंने ट्राई किया और ये मैंने वेलनेस सेंटर से ख़रीदा था, कहीं पर भी आपको अमेजोन वगैरह में भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। बिकॉज आई एम यूजिंग इट, सो आई थॉट टू शेयर इट, बिकॉज चेन ऑफ लाइफ का ही मकसद है, शेयर करो, एक दूसरे से सीखो। और आज भी मौसम पूरा बरसात का है, प्रिडिक्शन तो यही है कि पूरी बरसात होने वाली है। आप देख सकते हो बादल घने छाए हुए हैं। इसको रखते हैं अभी फ्रीजर में क्योंकि रात को यूज़ किया था मैंने। सो एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये देनी थी कि जो हमारे सोसाइटी के व्यूअर्स हैं, इनफैक्ट इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट रुक गया था वो अभी स्टार्ट हो गया, परमिशन ग्रांटेड हो गई है। सो दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस वॉलीबॉल टूर्नामेंट, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले प्लीज़ पार्टिसिपेट। बचपन के दिन को याद करो, बचपन के दिन भूल मत जाना रे, तो उसको याद करो और पार्टिसिपेट करो एंड मेक दिस इवेंट वंडरफुल, राइट। फर्दर डिटेल्स के लिए दे आर ऑलरेडी शेयरिंग द डिटेल्स इन द लोकल व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, तो आप वहाँ पे जाके उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सूर्य देवता भी निकल चुके हैं आंखों में, ये देख रहे हो बादलों के बीच छुपते हुए जा रहे हैं, बट निकले हैं आज। चलिए निकल रहे हैं ऑफिस की तरफ। हालांकि गूगल मैप में 1 घंटा दिखा रहा है और होपफुली रास्ते में ज़्यादा जाम ना मिले, क्योंकि कल का दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक था, इनफैक्ट इन द सेंस ऑफ ट्रैफिक। ये देखिए क्या लेके आ रहा है मेरे को दिखाने के लिए,
टर्न नहीं करूंगा पीछे से, लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये आ चुका है विराज रावत का बर्थडे का एक गिफ्ट। और ये गिफ्ट क्या है ये हम डेफिनेटली अभी आपको नहीं बताने वाले, जैसे मैंने बोला उसका बर्थडे है 26 तारीख को और आज है 22nd। यस टुडे इज 22nd राइट, 22nd टुडे इज 22nd। सो आज हम बताएंगे नहीं कि क्या है गिफ्ट, 26 को ही पता चलेगा और 26 को आपको मतलब हम 26 को खोलेंगे उसके अगले दिन आपको पता चलेगा। सो फिलहाल तो ये मंगाया हमने अमेज़न से है और ही इज वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, बट यू नो पेशेंस तो रखने पड़ेंगे वीर। सो अब हम शुरू करते हैं अपने आज की ब्लॉगिंग जो हमने नहीं कर पाए, और वो ब्लॉगिंग हम शुरू करेंगे हमारी लर्निंग के साथ में। क्विकली लर्निंग में आपको ये दे देता हूँ कि कल का जो मैच था वो था पंजाब और राजस्थान रॉयल के बीच में, और अगर आप देखेंगे पिछले तीनों मैचेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन रहा है। वेरिएशन ये रहा है कि पहले मैचेस जो हुए थे मुंबई चेन्नई के, उसमें विकेट शुरू में बहुत चली गई और लेकिन लास्ट में स्कोर भी खड़ा हुआ, लेकिन उस परिस्थिति में चेन्नई जीत गई। दूसरा मैच जो था वो 10 ओवर में ही खत्म हो गया, जिसमें आरसीबी और केकेआर थे और केकेआर उसमें जीत गया। और सो अगर आपने कल का मैच नोटिस किया होगा, उस मैच में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हुआ था और पंजाब भी दबा के खेल रहा था, और दबा के खेलने पे आपने देखा होगा केएल राहुल के 3-3 विकेट चले गए। और आपने अगर नोटिस किया होगा कि मार्जिन ऑफ विनिंग वाज ओनली 2 runs राइट वीर, 2 run से जीते राइट। हाँ। केएल राहुल ने कितना स्कोर किया था एक बार देख के बताओ, केएल राहुल ने कितना स्कोर किया है? केएल राहुल 49। तो केएल राहुल ने जो दबा के बल्लेबाजी करी, तो एक चीज यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई स्कोर चाहे कितना भी बड़ा हो, आप सोचो कि हम एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल स्टॉप यू नो पुटिंग योर एफर्ट्स। खरगोश और कछुए की कहानी होगी कि खरगोश ने सोचा कि मैं कूद कूद के पहले आगे पहुंचा, थोड़ा आराम करता हूं, तब तक कछुआ जीत गया। हालांकि केस में राजस्थान रॉयल जीती है, बट बहुत क्लोज मार्जिन से जीती है, बहुत ही क्लोज मार्जिन। सो दैट इज व्हाट इज अवर लर्निंग, दैट नेवर स्टॉप टिल यू रीच टू द एंड। सो आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए डिनर, मैंने ब्रेड मंगा लिए और उसमें आज एग वेग का थोड़ा मसाला बना के उनको खिलाएंगे, क्योंकि इच्छा बोलती है बच्चों की, तो उसी को हम बनाते हैं। हालांकि मैं रेसिपी ज्यादा दिखाऊंगा नहीं उसके बारे में, एंड दोज हु नोज मी यू नो आई एम वेरी फूडी। और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि पापा 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 खोल दो गिफ्ट, पर नहीं खुलेगा, यू हैव टू वेट। ये शुरू करते हैं बच्चों का बनाना खाना। आज का खाना 9:30 हो गए। ये यहाँ पे मेरा मसाला बन चुका है, मसाला टिक्की बन चुकी है। अभी इसके ऊपर मैं एग डाल के उसको रेडी कर रहा हूँ, चीना उसमें थोड़ा मसाला डाल रही हूँ। तो रेसिपी आपको दिखाएंगे नहीं, बिकॉज रेसिपी आपको मालूम है, तो बनने के बाद खाने के बाद मिलते हैं। पेस्ट बना दिया और थोड़ा सा अभी मैंने इसमें ज्यादा अंडे को पकाया है नहीं है। सो बन गया है और हम चाह रहे हैं खाने के लिए। सो जैसा कि आपने मेरा पहले इसमें पहले देखा होगा, और मेरे पहले वीडियो में भी मैंने बोला था कि जो वीर के गिफ्ट आएंगे उसको हम सिर्फ खोलेंगे जब वीर का बर्थडे होगा, जिस दिन 26 तारीख को। बट बच्चे को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, बिकॉज बच्चे मन के सच्चे, तो हम तो फिर भी पेशेंस रख सकते हैं। बच्चों को पेशेंस रखने के लिए थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ेगा। एंड चूंकि हम लोग यू नो कहते हैं ना, एक हेल्दी वीक मनाते हैं या कोई अलग अलग तरीके से वीक का सेलिब्रेशन करते हैं, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे वीक। तो आज से हम उसको स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं एवरी डे व्हाट बेटर वी कैन डू फॉर हिम एंड लेट हिम बी हैप्पी। सो एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। सो अभी मैं जा रहा हूँ उसका रिएक्शन भी कैप्चर करने के लिए, और आपको दिखाते हैं उसका गिफ्ट क्या है, उसका वन ऑफ द फेवरेट गिफ्ट है वो। सो मैं जा रहा हूँ अंदर रूम में, और ये वीर तो सो गया, ओ माय गॉड। सो मैंने एक चीज डिसाइड की है कि तेरा गिफ्ट खोल देते अभी। हाँ पक्का सो वीर को लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ वीर, दिस इज सीरियस। यू वांट टू सी योर गिफ्ट? चलेगा। सो हम इसका बर्थडे वीक मना रहे हैं, तो उसका गिफ्ट खोलते हैं। गिफ्ट रखा कहाँ हमने, लेट मी फाइंड आउट। इसके अंदर रखा है, ओके ये रहा, चलो। तो ये हम नानू के साथ दादी के साथ भी गिफ्ट खोलते हैं। टीना तो अभी किचन साफ करने में लगी हुई है, ये देखिए। लेकिन टीना आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सो हम ये सरप्राइज खोल रहे हैं, तो मैंने कहा तुम्हारे सामने खोल देते हैं, ठीक है ना।
तो ये वीर का सरप्राइज गिफ्ट, उसका फेवरेट गिफ्ट, उसको पता है क्या है लेकिन आप लोग को नहीं पता है क्या गिफ्ट है, तो हम इसको खोल रहे हैं। खोलो खोलो भाई, खोलो फटाफट खोलो। वीर की मम्मी आ जाओ जल्दी से। ओह माय गॉड, और ये है उसका बेब्लेड, बता कौन सा वाला है, सुपर किंग है? नहीं, सुपर किंग बेब्लेड ब्रेव वाला। ये इसको आना था परसों, परसों ना आके ये आया दो दिन बाद लेट, तो उसको बार बार कल आना था, तो कल आया नहीं, तो बार बार उसको कह रहा था कि मेरे को पता करो पता करो पता करो, और फाइनली मैंने फिर पता करवाया तो आज आ गया। थैंक यू, उधर बोल थैंक यू। बट ये गिफ्ट चाचा ने नहीं दिया है उसको, ये गिफ्ट चाचा का, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट दादी के तरफ से, दादी के पांव छू रहा था वो, दादी की तरफ से है, दादी की तरफ से। ये है इसका लॉन्चर का, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ओके। और असली चीज ये है, असली चीज भाई साहब, बेब्लेड का बेब्लेड, और ये उसका लॉन्चर। चलो गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। सो वीर का हैप्पी बर्थडे वीक चालू हो गया। सो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू दादी, थैंक यू फैमिली वाले हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल। अबे यार कैसे करूं, आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद। अरे सो अभी हो गई रात, अरे यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन शेयर जरूर करना। ऐसे क्या कर रहे हो? सो इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म, बने रहे हमारे साथ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग चैन ऑफ लाइफ। सारी चीजें आने वाली हैं, आने वाले ब्लॉग्स में वीर का बर्थडे का सेलिब्रेशन है, उसको मैं और एक जगह भी लेके जाऊंगा, तो कमिंग वीडियोस आर गोइंग टू बी मोर एक्साइटेड, मोर एक्साइटेड, मोर एक्साइटेड। सो इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म, बने रहे हैं हमारे साथ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग चैन ऑफ लाइफ।